आधार कार्ड प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहचान है, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज मेकोसा बाग स्थित एक कबाड़ वाले के पास बड़ी संख्या में पाए गए हैं। यह कबाड़ वाला इन आधार कार्डों को 20 रुपए में बेचते हुए पाया गया है। यह मामला सामने आने के बाद आधार कार्ड बनाने वाली और उसे प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाने वाली संपूर्ण व्यवस्था की लापरवाही उजागर हो गई है। जरीपटका क्षेत्र में मेकोसा बाग क्रिश्चियन कॉलोनी में रह रहे एक कबाड़ वाले के पास कम से कम 150 आधार कार्ड हैं। इस आधार कार्ड पर दर्ज नंबर पर वह फोन कर प्रति कार्ड 20 रुपए की मांग करता हुआ पाया गया है। इसकी जानकारी प्रभात अग्रवाल को मिली, उन्होंने इसके बारे में पूछताछ की। उनको पता चला कि यह आधार कार्ड कबाड़ व्यवसायी को कचरा बिनने वाले से मिले हैं। इनमें से अधिकांश आधार कार्ड उत्तर नागपुर के नागरिकों के थे। कबाड़ वाला आधार कार्ड पर दर्ज नंबर पर संपर्क कर 20 रुपए लेकर उसे लौटा रहा था। अत्यंत महत्वपूर्ण यह दस्तावेज भंगार में पाए जाने का यह मामला खतरनाक माना जा रहा है। अरे तो बहुत है जी। क्या है नाम? गुप्ता, गुप्ता, राजेश गुप्ता। अपना घर इधर है क्या? दुकान नहीं, वो कबाड़ी की दुकान है, उनके माल में आए तो मैं फोन करके कॉल करती थी। अच्छा, हाँ इसमें तो भेज दिया था कल फोटो। भैया है ना सैंडी नहीं वाले, मैं भेज दिया था, अभी डिलीट मार दिया फोटो। अच्छा फोटो डिलीट कर दीजिए। क्या उनका क्या नाम पड़ता है? तो वहाँ पूछूंगा क्या, कहाँ जाऊँगा मैं? वहाँ जोसेफ कैफे के पास जाओ, क्या नाम, अभी घर का काम चालू है बाजू में, किराने दुकान के बाजू में। अच्छा, कल वहाँ किराने कल बाबा जी ने फोटो निकाले था, वो कहाँ रहता है ऐसा? नहीं आप बोले ना मैं यहीं पर ही रहता हूँ करके आ जाओ। उन्होंने ये इसको करना है, वो इसके लिए अपडेट के लिए देना पड़ेगा फिर मेरे को। हाँ वही इसमें वही तो अभी कैसा फोटो देखा तो मेरे को समझ में आया कि ये है करके। नाम से ढूंढ रहे थे ना। हाँ पर नाम से ढूंढ रहे ना। और वो राजेश को रवि कर दिया उन्होंने, रवि मनोज असरानी कर दिया, जबकि राजेश मनोज असरानी है वो। अच्छा आपने देखे, मैं भी देखता तो वही गलती होती, वही गलती राजेश ही ढूंढता था। हाँ ऐसा है, कल 11:30 बजे करीब मुझे मेरे स्थानीय कार्यकर्ता का फ़ोन आया जरीपटका में कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति कबाड़ी की दुकान के अंदर में 20 रुपए लेकर लोगों को आधार कार्ड बांट रहा है। जबकि लीगली ये चीज़ संभव ही नहीं है कि कोई कबाड़ी के व्यक्ति के पास में, कबाड़ी वाले के पास में इतने बड़े पैमाने में आधार कार्ड रहे, वो भी बिना एनवलप के और वो भी देखने में सारे ओरिजिनल, और वो उसको 20 रुपए के अंदर में लोगों को दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फ़ोन कर रहा है उनको आधार कार्ड के फ़ोन नंबर से मिलाकर, और लोग आ रहे हैं और 20-20 रुपए में अपना आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं। मेरे को जब जानकारी मिली तो मैं स्थानीय जगह पे पहुंचा। पहुंचने के बाद में मैंने उसका स्टिंग करके सच्चाई को समझा कि हाँ ये चीज़ वाकई में वैसी ही है जैसी बताई गई थी। आधार कार्ड के लिए पंजीयन करने के बाद संबंधित व्यक्ति की जानकारी UADAI के पोर्टल पर पहुंचती है। डाक विभाग के जरिए आधार कार्ड घर तक पहुंचाया जाता है। अब संदेह है कि जिस पोस्टमैन को यह आधार कार्ड संबंधित व्यक्ति के पते पर पहुंचाने का जिम्मा था, उसने संबंधित कार्ड लोगों तक नहीं पहुँचाए और कचरे में डाल दिए। काल मैं जरीपटका पुलिस स्टेशन नागपुर शहर से, मैं भी PSI नाईकवाडे बोलता है। तर काल एक आत आदमी पार्टीचे प्रभात अग्रवाल जी पोलीस स्टेशनला तक्रार घेऊन आले होते। त्या अनुषंगाने त्यांची तक्रार अशी होती की एक स्क्रॅप डीलर म्हणजे जरीपटका पोलीस स्टेशनमध्येच आहे मेकसबाग या ठिकाणी, म्हणजे आधार कार्ड विकत आहे नकली आधार कार्ड। तर आम्ही त्या घटनास्थळी गेलो होतो, स्टाफसह घटनास्थळी गेलो, तर त्या ठिकाणी त्या स्क्रॅप डीलरच्या घरी आपण झडती घेतली। त्यामध्ये आपल्याला 90 आधार कार्ड मिळाले, 90 आधार कार्ड मिळाले आहेत। त्या अनुषंगाने त्या स्क्रॅप डीलर आतिश कोटांगळे याला आपण चौकशी कामी पोलीस स्टेशनला आणलं होतं। त्यानं सांगितलं की एकाचं नाव तरी सांगितलं, अब्दुल अलीकर अली म्हणून, तर तो कचरा वेचणारा आहे। तर त्या कचरा वेचणाऱ्याने त्याला आणून दिलं त्या आधार कार्ड। तर त्या दोघांना आपण ताब्यात घेतलं होतं, अब्दुल माजिद अली आणि तो स्क्रॅप डीलर
आतिश कोटांगले दोघांचं चौकशी चालू आहे आणि पुढील काय चौकशीमध्ये निष्पन्न होईल त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करायची तजवीज ठेवली आपण. नाही अटक नाही. अच्छा, यामध्ये म्हणजे अर्ज चौकशी चालू आहे, गुन्हा दाखल करायचा बाकी आहे अजून. आपल्याला ज्यामध्ये जे दोषी मिळतील त्या अनुषंगाने त्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात येईल. आता म्हणजे आतापर्यंत चौकशीमध्ये दोन लोकांना ताब्यात घेतले आपण, एक आतिश कोटांगळे आणि दुसरे अब्दुल माजिद अली. पुढील कारवाई मी सांगू. कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर.